ठीक है माँ, मैं आ जाऊंगा। माँ का फोन आया था, यहाँ आने की कह रही थी, क्या करूँ? करना क्या है, उनको नहीं है लाने की यहाँ जरूरत, हमसे काम नहीं हो पाएगा। ऐसा करो, उनको वृद्धाश्रम छोड़ आओ, पर यहाँ लाने की जरूरत नहीं है उनको, समझे? वृद्धाश्रम? यार वो वहां कैसे रहेंगी, तो भी तो सोचना कुछ। मैंने कह दिया ना, वो यहां नहीं आएंगी, उनका कुछ और देख लो। तो क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? मैं एक काम करता हूं, उनको ना यहीं ले आता हूं। अरे मैं मना कर रही हूं ना? अरे मेरी बात तो सुन, यहां आएंगी तो उनसे घर का काम वगैरह करवा लेना। अरे पर मैंने काम वाली लगा रखी है ना। पूरी बात नहीं सुनेगी, अपनी अपनी कहेगी। अरे जब वो आ जाएंगी, घर का काम करने लगेंगी, तो अपना काम वाली को हटा देना, काम वाली के जो पैसे बचेंगे उससे अपना शॉपिंग करना। अरे यार ये तो आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो चलो ये बताओ, कब लेके आ रहे हो मम्मी जी को? ऐसा करता हूं, आज ही ले आता हूं। तो ठीक है, अब जल्दी जाओ और मम्मी जी को लेके आओ, मम्मी इंतजार कर रही होंगी आपका। ठीक है। मम्मी जी अब आप यहाँ आराम से रहना, ठीक है? ये भी ना, क्या हुआ बहू? अरे वो काम वाली का मैसेज था मम्मी, काम के चक्कर में इसको लगाया था, अब वो गांव जा रही है। मेरे से तो होता नहीं, मेरे हाथ में इतना दर्द होता है, अब बताओ कैसे काम होगा घर का, अब क्या करूं मैं? तू क्यों चिंता कर रही है? हम है ना, हम दोनों मिलके घर का काम कर लेंगे। मम्मी आप हो तो हमें किस बात की टेंशन, अभी सिंक में बर्तन भी पड़े हैं, साफ सफाई भी पड़ी है, तो आप ऐसा करो पहले सिंक में बर्तन धुल लो, इसके बाद साफ सफाई कर लेना। ठीक है बहू, मैं कर दूंगी। तो ठीक है, इतनी देर में मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। ठीक है। बहू वो काम तो हो गया बेटा, अब तू जल्दी से खाना लगा दे, भूख लगी है। मम्मी जी खाना, खाना मैं बना तो दूं, पर मम्मी जी मेरा तो हाथ ही जल गया, मेरे ऊपर चाय फैल गई, तो खाना मैं कैसे बनाऊं? पर बहू अब खाने का, अब मम्मी जब तक मेरा हाथ नहीं सही हो जाएगा तब तक तो आपको ही खाना बनाना पड़ेगा, और हमको भूख भी बहुत तेज लगी है। प्लीज मम्मी खाना आप बना दोगी ना? ठीक है बहू। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहता है और फिर एक दिन, यार सच बताऊं मेरे तो मजे ही मजे हैं, जब से मेरी सास आई है मेरी तो छुट्टी हो गई है, मुझे तो ये कहो फुल टाइम मेड मिल गई है। यार पता है खाना भी बना बनाया मिलता है, मैं तो बस यही कहूंगी तू भी अपनी सास को यहीं बुला ले, और तू भी आराम से जी भर के ऐसी ऐस कर। माँ बाप ने जिस औलाद के लिए दिन रात मेहनत कर अपना पेट काट कर उन्हें पढ़ाया लिखाया, अपने सपनों को भूल कर उनके सपनों को पूरा किया, वही कुछ औलाद बुढ़ापे में उनको यह दिन दिखाती है। जब माँ बाप बच्चों के लिए अपने पूरे फर्ज निभाते हैं, तो वही औलाद अपने फर्ज निभाने में क्यों चूक जाती है। हेलो फ्रेंड्स,
आजकल समाज में यही सब चल रहा है कि माँ बाप बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ बाप को वृद्धा आश्रम छोड़ देता है। चार बच्चों को एक माँ बाप खिला सकते हैं, पर चार बच्चे एक माँ बाप को नहीं खिला सकते हैं। सो गाइस, आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल राधा शुक्ला को सब्सक्राइब कर लेना। टेक केयर, बाय, गुड नाइट।